हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज के बैक पार्ट में डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्लाउज का बैक पार्ट कट करके रख लिया है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम इसका मेजरमेंट। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली हुई है 14.5 इंच, सीना के लिए लिया है मैंने यहाँ पर 11 इंच, कमर के लिए 9.5 और शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच। इसके बाद आर्म होल के लिए भी मैंने 6 इंच ही लिया हुआ है। और हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ओपन करेंगे इन दोनों को। सबसे पहले हम रखेंगे ब्लाउज का कपड़ा और इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर को। और आज हम गले की कटिंग बाद में करेंगे। तो ब्लाउज के कपड़े के ऊपर अस्तर रखने के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें एक सिलाई, और सिलाई हमें नीचे लगानी है, 1/2 इंच छोड़ देना है। उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसे पलटेंगे और पलट के एक सिलाई हम अस्तर पे लगाएंगे, किनारे लगानी है सिलाई हमें। इसके बाद अब हम इसे अंदर की ओर पलट देंगे अस्तर को। अस्तर को अंदर की ओर पलटने के बाद एक सिलाई हम इसके ऊपर और लगा लेंगे, ताकि ये अस्तर पर कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि ये शिफॉन कपड़ा है, तो कपड़ा जितना भी हल्का रहता है वो फिसलता है थोड़ा सिलाई करते टाइम, इसीलिए हम एक सिलाई और लगा लेंगे इसके ऊपर। तो नीचे एक सिलाई और लगाने के बाद हमारा अस्तर अच्छे से बैठ गया है कपड़े में। इसके बाद एक सिलाई हम लगा देंगे शोल्डर के पास। और शोल्डर के पास सिलाई लगाने से पहले आपको कपड़े को और अस्तर को अच्छे से जमा लेना है, इसके बाद ही सिलाई लगानी है। इसके बाद हम कर लेंगे इसे फोल्ड इस तरीके से। और अब हम करेंगे गले की मार्किंग और कटिंग। तो गले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नीचे देखते हैं कितना छोड़ा है मैंने। 4.5 इंच छोड़ दिया है। इसके बाद हम 2.5 इंच रखेंगे गले की चौड़ाई। ऊपर भी मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। इसके बाद हमें गले को गोल शेप दे देना है सिंपल तरीके से। इसके बाद हम कर लेंगे गले की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने गले की कटिंग कर ली है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये लिया है ऑरेंज कलर के फैब्रिक का टुकड़ा, और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 2 इंच। और इससे बनाएंगे हम पाइपिंग, और यहाँ पर मैं डोरी वाली पाइपिंग बनाऊंगी। तो पाइपिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम इस ऑरेंज कलर के फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद इसे हम गले के किनारे किनारे करेंगे सिलाई। तो सिलाई कर ली, इसके बाद हम इसमें रस्सी फंसा देंगे, पाइपिंग वाली रस्सी है ये। रस्सी को कुछ इस तरीके से फंसा देना है, इसके बाद हमें किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पाइपिंग बनके रेडी है। पाइपिंग बनाने के बाद मैंने यहाँ पर फिर से एक फैब्रिक का टुकड़ा लिया हुआ है, और इस बार मैंने इसकी चौड़ाई रखी हुई है 3.5 इंच। और इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करके इसमें भी एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें किनारे किनारे लगानी है, ज़्यादा दबाना नहीं है। और ये फैब्रिक का टुकड़ा हमें लंबा लेना है, जितना हो सके आप लंबा लीजिएगा। और इसके बाद हम इसे कर लेंगे सुई की सहायता से सीधा, यानी कि पलट देंगे हम इसे। जिस तरीके से हम डोरी पलटते हैं उसी तरीके से हमें इसे पलट लेना है। तो फाइनली मैंने इसे पलट लिया। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। पहले प्लेट्स हम इधर रखेंगे मशीन की साइड इस तरीके से। इसके बाद दूसरी प्लेट्स हम अपनी तरफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से।
आप पेचकस ले लीजिए छोटा सा, उसकी सहायता से आप आसानी से प्लेट बना पाएंगे। इसके बाद हमें फिर से प्लेट्स को मशीन की ओर बनाना है एंड इसके बाद हमें अपनी तरफ पलटना है, यानी कि ये समझ लीजिए कि एक प्लेट बनेगी हमारी मशीन की तरफ, उसके बाद दूसरी प्लेट्स बनेगी हमारी मेरी तरफ, फिर से प्लेट्स मशीन की ओर, फिर से प्लेट्स हमारी तरफ। कुछ इसी तरीके से प्लेट्स बनाते रहना है हमें। बस सिंपल तरीके से ऐसे ही प्लेट्स बनाते जाना है हमें। और हाँ, प्लेट्स बनाते टाइम आपको ये भी याद रखना है, वो जो सिलाई करने के बाद मैंने इसे पलटा था, वो आपके नीचे रहनी चाहिए। तो सिलाई प्लेट बनाने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हो गई है। रफाइल फ्रिल आप जो बोलना चाहते हैं वो बन के रेडी हो गई। इसके बाद हम इसे रखेंगे ब्लाउज के गले के किनारे और इसके बीचों बीच हम सिलाई लगा देंगे। फ्रिल के बीचों बीच लगाने हैं हमें सिलाई। बस इसी तरीके से हमें गले के किनारे किनारे इसको लगा देना है फ्रिल को। और यहाँ पर फ्रिल हमारी बच गई है कुछ थोड़ी सी, क्योंकि एक्स्ट्रा ही बनाते हैं ताकि कम ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगा ली है मैंने ये फ्रिल एंड इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्लेट। और प्लेट तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है डालना कि 4 इंच प्लेट डालते हैं हम ऊँचाई की ओर, और 4 इंच इधर गले के बीच से और 4 इंच उधर। तो यहाँ पर मैंने दोनों प्लेट्स को डाल लिया है। प्लेट्स डालने के बाद हमने यहाँ पर ये लिए हैं मोती। इसके बाद हमें एक सुई को ले लेना है और सुई हमें इतनी बड़ी लेनी है जो कि मोती में आसानी से फंस सके। इसके बाद हमें ये जो प्लेट्स है इसके बीच दोनों बीच में सुई लगाने के इस तरीके से टाँका लगाना है हमें, और यहीं पर हमें मोती को फंसा देना है कुछ इस तरीके से ऐसे। इसके बाद फिर से हमें बीच से सुई को निकालना है और ये जो प्लेट्स है बीच की चौड़ी वाली इसमें हमें टाँका लगाते हुए फिर से मोती को फंसा देना है। सेम इसी तरीके से हमें मोती को फंसाते जाना है टाँका लगाते लगाते, तो ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से दिखने वाली है डिज़ाइन जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आप ज़्यादा डिजाइनर ब्लाउज नहीं पहनते हैं, जो लोग सिंपल सा ब्लाउज पसंद करते हैं या जिन लोग को ज़्यादा डिजाइन बनाने भी नहीं आती है, उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। बस सिंपल सा नेक डिजाइन है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिजाइन दिख रही है मोती लगाने के बाद। सेम इसी तरीके से मैंने पूरे मोती को लगा लिया है इसमें। और ये रहा हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।